अपने जीवन में धन आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना आना चाहिए। हर अमीर इंसान या हर अच्छा इंसान या हर सफल इंसान लोगों को आकर्षित करने के रहस्यों को जानता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 ऐसी बातों का ध्यान रख के आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका सीख लेते हैं, रहस्य सीख लेते हैं, तब आपकी तरफ धन भी आकर्षित होता है। कैसे, ये जानिए। सबसे पहले आप अपनी जो पर्सनालिटी है उसको मेंटेन कीजिए। पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए पहला काम कि आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, पहला काम। और जब आपके कपड़े ठीक ठाक रहेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। दूसरी बात, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। आप सलून में जाइए और अपोजिट सेक्स यानी कि जो अपोजिट हों, जैसे आप फीमेल हैं तो मेल से अपने हेयर स्टाइल के बारे में एडवाइस लीजिए, या किसी एक्सपर्ट लेडीज से एडवाइस लीजिए, या कोई आप मेल पर्सन हैं तो फीमेल पर्सन है, या मेल पर्सन है तो फीमेल से और फीमेल पर्सन है तो मेल से, आप इस तरह से एडवाइस लीजिए कि आपकी हेयर स्टाइल आपके चेहरे के हिसाब से, कलर के हिसाब से कैसी रहेगी जो आपको सूट करेगी। एक तो आप जब ड्रेसिंग बनाते हैं, अपने हेयर की ड्रेसिंग करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो क्या होता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। उलझे हुए बाल, यूं ही बिखरे हुए जैसे तैसे होंगे तो आपकी तरफ कोई भी देखेगा ठीक है, लेकिन उसको नेगेटिव एनर्जी जाएगी, मतलब अच्छी फीलिंग उसको नहीं जाएगी आपकी तरफ से। तीसरी बात कि सोने और जागने का रूटीन आपका ठीक होना चाहिए। रात को पहले सो जाएं, यानी कि थोड़ा जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ये सनातन से परंपरा चली आ रही है कि हर किसी ने ये कहा, हर संत ने, हर ज्ञानी ने यही कहा कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और उस समय आप अपना गोल सेट करते हैं या गोल के हिसाब से काम करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उस समय आपका माइंड रिलैक्स रहता है। तीसरी बात ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि इससे क्या होगा कि आपकी फिटनेस बनी रहेगी, आपके माइंड की फिटनेस बनी रहेगी, आप शांत भी रहेंगे और आपके अंदर सुस्ती नहीं रहेगी, लेजीपन नहीं रहेगा, लापरवाही नहीं रहेगी, और आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। चौथी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि खाने पीने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करिए और जूस वगैरह पीजिए, जिससे कि स्किन आपकी ग्लो रहे। 4 चीज़ें होगी, पेट साफ रहे। 5वीं चीज़ कि आप कभी भी किसी से जब बात करें तो आई कॉन्टैक्ट आपका बना रहे, सामने वाले की आँखों में आँखें डालकर, मतलब आँखों से आँखें मिलाकर बात करें। अगर आप ऐसे करके बात कर रहे हैं या ऐसे करके बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं सामने वाले के ऊपर। अब मैंने ये 5 चीज़ें आपको बताई, हालांकि ये 5 चीज़ें आप पहले से भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। ज़रूरी है अप्लाई करना, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसका फ़ायदा होगा। अब मैं ये बता दूं कि इन 5 चीज़ों को करने से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मतलब आपको पसंद करेंगे, मतलब आपके हाव भाव, वेशभूषा, चाल चलन, बातचीत, चेहरे का ग्लो, मेंटेनेंस, बालों, हेयर स्टाइल, इन सारी चीज़ों से आप, इन सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं करने वाले हैं। नॉर्मली ये सारी चीज़ें आप अपनी एक्टिविटी से, आप अपने पैशन से, अपनी सोच से इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम जो एक्सपेंस होता है मेंटेनेंस में, उतने ही एक्सपेंस में आप इस चीज़ को बेटर ढंग से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब चूंकि लोग तो आपको पसंद करने लगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके जानने वाले, आपके ऑफिस के लोग, जो भी लोग जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, उनकी नज़र भी जब आपके ऊपर पड़ती है तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी, बॉडी फिट रहेगी। कोई थुलथुले मोटे पेट निकले हुए लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं,
ये सच्चाई है, भले वो कुछ कहे ना कहें। लेकिन जो स्लिम बॉडी का होता है, फिटनेस उसकी होती है, पेट अंदर होता है, चेस्ट थोड़ा ऊपर होता है, तो इसके लिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस जो खान पान में और रहन सहन में जो मैंने चीज़ें बताई, वो सब कुछ आपका मेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा, आपकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी इन द सेंस कि आप इन सारी चीज़ों से प्यार कर रहे हैं। जब आपके मन में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपकी सोच में ये सारी चीज़ें होंगी, तो नेचुरली यूनिवर्स से वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। यूनिवर्स से, यूनिवर्स में आपकी ये सारी वेव जा रही है कि आप मेंटेन रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप अपने हेयर स्टाइल से प्यार करते हैं, अपने कपड़ों से प्यार करते हैं, अपने बॉडी से प्यार करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से प्यार करते हैं। जब आप ये सब करते हैं तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है कि आप इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो मालूम है क्या होगा, आपके द्वारा ऐसे ऐसे काम होंगे, क्योंकि आपके भीतर से वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि वो सब कुछ भीतर है, भीतर से वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। क्यों निकल कर आएंगी, अट्रैक्ट होगा वो थॉट्स, वो एनर्जी यूनिवर्स में फैलेगी, वो थॉट्स जनरेट होंगे। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है आपका, जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रहा है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रहा है अवचेतन मन में, तो वैसी ही चीज़ें आपके पास आएंगी। तो आपसे ऐसे काम होंगे जिन कार्यों को करने से आपकी इनकम बढ़ेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ पॉजिटिव सोचेगा, प्लस में सोचेगा, डील फाइनल होगी, या वो किसी भी तरह की आपकी हेल्प कर सकता है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कि जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये सब डिसिप्लिन आप रख रहे हैं अपने साथ, ईमानदारी रख रहे हैं अपनी सोच में, अपने कार्य व्यवहार में, अपनी मेंटेनेंस में, अपनी बातों में, अपनी सोच में, तो वो सारी चीज़ें फैल रही हैं यूनिवर्स में। और उस यूनिवर्स में जो एनर्जी आप भेज रहे हैं, उस एनर्जी के बदले कई गुना वापस मल्टीप्लाई होकर वैसी ही चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। मतलब जो आप बोते हैं वही काटते हैं, यानी कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है, जो आप सोचते हैं वही होता है, यानी कि जो आप कर रहे हैं वही और ज़्यादा मात्रा में होने लग जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, आप और अच्छा मेंटेनेंस कर पाएंगे। आप यूनिवर्स कहेगा कि आप और ज़्यादा मेंटेन रखो, आप और अच्छे कपड़े पहनो, आप और अच्छी गाड़ी खरीदो, आप और अच्छे घर खरीदो, आप और अच्छे लोकेशन में जाओ, आप और अच्छे खुश रहो, और ज़्यादा खुश रहो, और अपने बालों को और ज़्यादा मेंटेन रखो, अपनी हेल्थ को और मेंटेन रख सकते हो। मतलब आप स्वस्थ रहना चाहते हो। ओवरऑल जब आप इन पांचों बातों को डेली अप्लाई करते हैं, तो नेचुरली आप देखेंगे कि विद इन वन ईयर, मैं वन ईयर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 6 मंथ ये भी ज़्यादा है, 90 डेज मैं कह रहा हूँ ये भी ज़्यादा है, 30 डेज तक इस प्रयोग को करो आप, सिर्फ 30 डेज, और इस 30 डेज के अंदर आपकी लाइफ में चेंज डेफिनेटली होगा। और जब ये 30 डेज में चेंज आ जाए, जो चेंज मैंने बताए हैं, उसके बाद आगे आप करते रहो, लाइफ टाइम करो, क्योंकि जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है उसी चीज़ को आप करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो 30 डेज करो आप, फिर 90 डेज करो, फिर 66 मंथ करो आप, इस तरह से बढ़ाते जाओ, और आपकी लाइफ में धन संपदा, खुशी, आराम, चैन, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, ये सब कुछ खुद चल कर आएगा। लेकिन आपके कार्यों के बदले, फ्री में नहीं, आपके कार्यों के बदले फ्री में नहीं, ये मैं बार बार कहता हूँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखना। आपके कार्यों के बदले उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ज़्यादा मिलने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो कर लो, क्योंकि हम आपको खजाना देते हैं। खजाना लो, अप्लाई करो, जिंदगी को इंजॉय करो। थैंक यू।